जज्बा ईमानी के बाईस भारत आज तक कश्मीरियों को दबा नहीं सका। अगर मोदी को कोई गलतफहमी है तो चार रोज के लिए कर्फ्यू हटा कर देख ले। गवर्नर अमानुल्ला यासीन जई और वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल कहते हैं कि कश्मीर आज दुनिया का फ्लैश पॉइंट बन चुका है। अगर दो एटमी कुवतों के दरमियान जंग हुई तो इसकी जिम्मेदारी पूरी आलमी बरादरी पर होगी। पाकिस्तान कश्मीर के मामले पर कभी पीछे नहीं हटा। पाकिस्तान का नया नक्शा इस बात का सबूत है। यहाँ पे मोदी सरकार को खबरदार करना चाहता हूँ कि कश्मीरियों में और बैसियत मुसलमानों के एक जज्बा ईमानी है और वो उनको आज तक दबा नहीं सके, इसलिए कि वो अपने नापाक अजायम जारी किए हुए हैं। अगर मोदी सरकार ये कहती है कि कश्मीर हमारा भारत का अटूट वो हिस्सा है, तो मैं सिर्फ मोदी सरकार से इतना गुजारिश करूंगा कि चार दिन के लिए तो कर्फ्यू उठा के बता दें, ताकि फिर आपको पता चल जाएगा कि इसमें कश्मीरियों में ईमान है कि नहीं है, वो आज़ादी ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। कश्मीर के बॉर्डर पे जाना, असेंबलियों में तकारीर करना, जलसे जुलूस रैली, ये सब काबिल कदर अमल हैं जो लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, कश्मीरियों के लिए ज़रूरी है। लेकिन आज कश्मीर का एक एक बंदा, कश्मीर के जितने भी लोग हैं, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे कश्मीर में हो, दुनिया में हो, आज जब पाकिस्तान का नया नक्शा देखते हैं तो उनके अंदर एक एहसासियत और ज़्यादा जन्म लेती है कि आज पाकिस्तान की हुकूमत, जिनके साथ ये सारे इत्तेहादी जमात हैं, ये हमारे मिशन के लिए एक और कदम आगे जाना चाहते हैं। और यही हमारा सबसे बड़ा पैगाम है जो हम अपने कश्मीरी भाइयों को और वहाँ के मुसलमानों को और वहाँ के रहने वाले सबको देना चाहते हैं।